डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ विद प्रदीप में। हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी के मैथ्स इस लॉकडाउन में मैंने प्रयास किया था, काफ़ी बेहतर प्रयास हो रहा है मेरा। आप देख रहे होंगे कि प्रतिदिन लगभग लगभग मैं एक वीडियो डाल देता हूं। अगर आप इसको क्रम से देख ले गए तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि बेसिक मैथ में आपकी कमजोरी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो हम लोग लेसन 7 का दूसरा और आखिरी एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर भी 7 है और लेसन भी 7 है, क्लास भी 7 है और चैप्टर भी 7 है। तो एक्सरसाइज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 7.2। ये यही दो ही एक्सरसाइज है, दूसरा और आखिरी एक्सरसाइज, थोड़ी सी बड़ी है, आओ समझा जाए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में आप कौन से सर्वांगसम प्रतिबंधों को देखते हैं। दो त्रिभुज दिया गया है, आओ देखते हैं। दोनों त्रिभुज एक बार ध्यान से देख लीजिए। दो त्रिभुज यहाँ पर बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। इसका नाम है ABC और इसका नाम है DEF। अब कह रहे हैं कि दिया गया, क्या दिया गया है? दिया गया है कि AC बराबर DF दिया गया है। ये हम लोग पहला क्वेश्चन का A देख रहे हैं। AC बराबर DF दिया गया है, AB बराबर DE दिया गया है और BC बराबर EF दिया गया है। ये दिया गया है, इसलिए ABC त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज DEF के। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा नियम लगाया गया है और उस नियम का नाम लिखना है। आओ देखते हैं। AC बराबर DF कह रहा, AC बराबर DF कह रहा, यानी ये भुजा बराबर है। फिर AB बराबर DE लिखा हुआ, यानी ये भुजा और ये भुजा भी बराबर है। फिर BC बराबर EF दिया है, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर है। बताओ ऐसा नियम हम लोग कहाँ देखे थे? याद आ रहा? यस प्रतिबंध, इसको हम क्या कह देंगे? यस प्रतिबंध, प्रतिबंध मतलब नियम। यस यानी भुजा हुआ प्रतिबंध लग रहा है और ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए। बस आपको देख करके यही पहचान के बताना था। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया, पहला का ए था। आइए अब हम बी पढ़ते हैं। पहला में बी में क्या दिया गया है? बी इसमें दिया गया है कि जेड एक्स बराबर RP, RQ बराबर ZY और इसलिए कोण दिया है PRQ बराबर XZY और इसलिए त्रिभुज PQR सर्वांगसम होगा त्रिभुज XYZ के। आओ पहले लिखते हैं, पहले त्रिभुज को आप बना लेते हैं। दो त्रिभुज बनाया गया है, इस प्रकार से है। एक त्रिभुज है RPQ और दूसरा त्रिभुज है ZXY। आओ समझते, ZX बराबर RP लिखा है, ZX बराबर RP लिखा है, RQ बराबर ZY लिखा हुआ है, RQ ये बराबर ZY लिखा है और कोण PRQ, कोण PRQ मतलब ये कोण बराबर है XZY। तो कह रहे कि इसमें कौन सा प्रतिबंध काम कर रहा है? बताओ आपको याद आ रहा है ये कौन सा नियम लग रहा है? जी हाँ, भुजा कोण भुजा साइड एंगल साइड, यानी आप कह सकते हो ये SAS प्रतिबंध लग रहा है। इसको हिंदी में भुजा कोण और भुजा कहते हैं। इस नियम के आधार पर दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कहा गया है। अगर आपका कोई नियम यहाँ पर कम लगता तो यहाँ पहचानने में आसानी मिलेगी और हम लोग हो सकता आगे सवाल मिले कि हम पहचान पाएँ कि हम कौन सा सर्वांगसम बन पा रहा या नहीं बन पा रहा। आइए तीसरा चित्र देखते हैं। सी दिया गया है, अब पहला का सी है, उसमें दिया गया है कोण MLN बराबर है कोण FGH, फिर लिखा है कोण NML बराबर है कोण
GFH और ML बराबर FG लिखा हुआ है, इसलिए त्रिभुज LMN सर्वांगसम है त्रिभुज GFH के। आओ इसका चित्र बनाते। ये चित्र ऐसे बना हुआ है और उत्पटांग भी लिखा है, ऐसे बना हुआ है। यानी पलट के चित्र दिया गया है। यहाँ लिखा है L M N और यहाँ लिखा है F G H, ऐसे दिया गया। अब बताओ जरा पहचानते हैं कोण M L N। M L N माने इस कोण की बात कर रहा है, कोण F G H के बराबर है। F G H माने इस कोण के बराबर, ठीक है, बराबर है। अब कोण N L M L N M L यानी यह कोण GFH इसके बराबर और ML बराबर FG लिखा हुआ है, ML बराबर FG लिखा हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि दो कोण और उनके बीच की भुजा, दो संगत कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। यहाँ नियम लग रहा है ASA, एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल के नियम के अनुसार यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम घोषित किए जा रहे हैं। अब डी विकल्प देखिए, डी क्वेश्चन में दिया गया है EB बराबर DB, AB बराबर BC और कोण A बराबर कोण C बराबर 90 डिग्री, और इसलिए त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज CDB के। अब आओ दोनों त्रिभुज बनाते हैं। ए है ई, ए बी सी डी, ऐसे चित्र दिया हुआ है। हमको बताना है ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है कि नहीं है। आओ समझते हैं। ई बी बराबर डी बी, ई बी बराबर डी बी यानी दोनों के कर्ण बराबर हो गए। ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी यानी कि दोनों के आधार भी बराबर हो गए। और कोण ए बराबर कोण सी 90 डिग्री, और क्या चाहिए। ये दोनों चीज़ें मिल गई तो हम इसको कहेंगे RHS। ये RHS नियम लग रहा है, राइट एंगल्ड हाइपोटेन्यूज साइड, और जिससे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो जाते हैं। और ये आपका पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अब दूसरा क्वेश्चन शुरू होगा। दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है यदि आप त्रिभुज ART सर्वांगसम सिद्ध करना चाहते हैं, त्रिभुज ART सर्वांगसम सिद्ध करना चाहते हैं त्रिभुज PEN, तो क्या करना पड़ेगा। ए, यदि आप SSS सर्वांगसमता प्रतिबंध का प्रयोग करें तो आपको दर्शाने की आवश्यकता पड़ेगी। देखो क्या करना पड़ेगा, आपको पहले चित्र बना लेना चाहिए। सबसे पहला काम, कोई भी आपको ज्योमेट्री सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहला काम चित्र बनाना पड़ेगा। अब ये कह रहे हैं ART है ये, और ये कह रहे हैं PEN है, हमको इसे सर्वांगसम सिद्ध करना है, बल्कि सर्वांगसम गिवन है ये। तो बताओ अब कि AR बराबर क्या होगा, बताओ AR बराबर क्या होगा, PE होगा कि नहीं होगा। दोनों चित्र को ध्यान से देखिए, फिर बताओ RT बराबर क्या होगा। RT बराबर EN होगा। फिर पूछा गया है AT बराबर क्या होगा, बताओ AT बराबर क्या होगा, PN होगा, होगा कि नहीं होगा। और इस तरह से आपका A खत्म हो गया। चलो B में क्या कहा गया उसको देख लें। यदि कह दिया जाए कि कोण T बराबर कोण N है, कोण T बराबर कोण N है, और SAS का प्रतिबंध लगाना है आपको,
यस एस का, तो आपको आवश्यकता होगी। बताओ कोण टी बराबर कोणयन कहा गया है, यानी यह कोण और यह कोण बराबर है और हमको यस एस लगाना है। इसका मतलब हुआ यह कोण दिया है तो हमको ये भुजा और ये भुजा बतानी पड़ेगी, इसी तरह ये दोनों भुजाएं और ये दोनों भुजाएं हमें संगत भुजाओं को सर्वांगसम करना होगा। तो हम क्या लिखेंगे बताओ, आर टी बराबर क्या लिखेंगे हम, आर टी बराबर ई एन करेंगे, एकदम करेंगे। दूसरा पूछा गया पी एन बराबर क्या है, हम पी एन बराबर क्या लिख देंगे, ए टी लिख देंगे और हमारा ये प्रतिबंध सही हो जाएगा। देखो इसमें आप चित्र में देख रहे होंगे सवाल में कि ये चीज़ गिवन है और ये हमको अपने मन से लिखना पड़ रहा है इसको चित्र को देख करके। जब आप चित्र बढ़िया से बना लेंगे तो ये लिखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसको मिटाते हैं, अब सी पढ़ते कि दूसरा क्वेश्चन का सी क्या दिया गया है। सी में दिया गया है यदि यह दिया जाए कि ए टी बराबर पी एन है। देखो अब तो पहले हमको फिर चित्र बनाना पड़ेगा क्योंकि चित्र हम मिटा दिए हैं, तो चित्र एक बार फिर से देख लीजिए कौन सा चित्र था, वही है पी ए आर टी, फिर से बना देता हूँ। इसका नाम है ए आर टी और इसका नाम है पी ई एन। हमको दिया गया है ए टी बराबर पी एन, ए टी बराबर पी एन गिवन है पहले से, और हमसे कहा गया है कि आपको ए एस ए लगाना है। तो ए एस ए जानते हो क्या करना पड़ेगा, ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर हमको सिद्ध करना पड़ेगा। तो देखो लिखा है, हम क्या लिखेंगे कोण ए बराबर कोण पी और हम लिखेंगे कोण टी बराबर कोण एन, और इस तरह से हमारा दोनों प्रतिबंध सेट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ तो उसमें एक टेबल जैसा दिया गया है और एक चित्र भी दिया गया है और उसी चित्र के टेबल के माध्यम से हमें सवाल को हल करना है। आओ देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, इसमें एक चित्र बनाया गया, मैं चित्र इधर बना लेता हूँ। ऐसे इसका नाम है ए पी एम क्यू और ये रेखा यहाँ से मिलाई गई, ठीक है, जो दिया गया है ऐसे निशान बना हुआ है और ऐसे निशान बना हुआ है ऐसे। अब चलिए चरणों को दर्शाते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है त्रिभुज ए एम पी सर्वांगसम है त्रिभुज ए एम क्यू है। ए एम पी, देखो ए एम पी और ए एम क्यू दोनों त्रिभुज के बारे में हमको जानकारी दी गई है। अब देखो इसको चरण लिखना है, क्रम, पहला क्रम क्या है, पी एम बराबर क्यू एम, बताओ हम लिख सकते कि नहीं, पी एम बराबर क्यू एम दिया है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, गिवन है पहले से लिखा, कारण लिखिए, कारण लिखिए, जब सर्वांगसम होते हैं तो त्रिभुज की संगत भुजाएं समान होती हैं, तो ये दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं कहलाएंगी, इसलिए यहाँ मैं लिख दूंगा संगत भुजा। फिर लिखा है दूसरा है, उसमें लिखा गया है कोण पी एम ए बराबर कोण क्यू एम ए, इसके लिए क्या कारण है, पी एम ए यानी यह कोण और क्यू एम ए माने यह कोण दोनों बराबर है, तो हम इसके लिए क्या कह देंगे, संगत कोण, करेस्पॉन्डिंग एंगल है ये। फिर तीसरे में लिखा है ए एम बराबर ए एम, देखो ए एम दोनों में है तो इसको आप क्या कह दोगे, कॉमन यानी उभयनिष्ठ। अब बताइए हमारे पास दो भुजा और एक कोण, फिर दो भुजा और एक कोण बराबर हो गए, तो अब हम बहुत आराम से लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए एम पी सर्वांगसम है त्रिभुज ए एम क्यू, और इसके आगे हम क्या लिख देंगे, साइड एंगल साइड, यस ए एस, देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड बराबर हो गया। तो ये है आपके सॉल्व करने का तरीका, इन्होंने एक सीरीज बना दिया था, आपने अपने क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे,
और उसी को हमें लेकर सॉल्व करना था। आइए देखते हैं अब चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न दिया गया है, त्रिभुज एबीसी में, कोई त्रिभुज है एबीसी में दिया गया है कि कोण ए बराबर 30 डिग्री, कोण बी बराबर 40 डिग्री और कोण सी बराबर 110 डिग्री। फिर त्रिभुज पी क्यू आर में दिया गया है कोण पी बराबर 30 डिग्री, कोण क्यू बराबर 40 डिग्री और कोण आर बराबर 110 डिग्री, ये दिया हुआ। एक विद्यार्थी कहता है कि ए ए ए सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा पी क्यू आर के, क्या यह कथन सत्य है? नहीं सत्य, कह दो कथन सत्य नहीं, क्योंकि ए ए ए ये सर्वांगसमता के नियम में नहीं आता है। यस 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 आता है, यस ए यस आता है, ए एस ए आता है और आर एच एस आता है, ट्रिपल ए नहीं आता है, तो आपका यह नियम लागू नहीं होता। आप इसे सिद्ध भी कर सकते हैं। देखो हम एक त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पर और एक त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पर, आप ध्यान से देखिए, एक चित्र छोटा है एक बड़ा है, हो सकता है यह कोण इसके बराबर हो सकता है यह कोण इसके बराबर हो और यह भी हो सकता है यह कोण इसके बराबर हो, ऐसा हो सकता है। क्यों? यह भी त्रिभुज 180 डिग्री का होगा, यह भी त्रिभुज 180 डिग्री का होगा। कोण तो सारे त्रिभुज के 180 ही होते हैं, लेकिन एक त्रिभुज छोटा होता है एक त्रिभुज बड़ा होता है। तो ये जो है सिमिलैरिटी में तो आएगा, आने वाले चैप्टर्स में आएगा, सिमिलैरिटी एक चीज़ होती है उसको आप कहते हैं समरूपता, लेकिन सर्वांग समता में यह नियम लागू नहीं होता। तो आपने चौथा सवाल देख लिया, अब आइए पाँचवा देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं पाँचवा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पांचवा क्वेश्चन में लिखा है कि आकृति में दो त्रिभुज ए आर टी और ओ डब्ल्यू एन सर्वांगसम है जिनके संगत भागों को अंकित किया गया है, हम लिख सकते हैं? तो आओ पहले बना लिया जाए, दो चित्र बना दिया जाए, ऐसे बना हुआ है, इसका नाम है ए आर टी और दूसरा चित्र ऐसे बना हुआ है, ऐसे, इसका नाम है एन, ये है डब्ल्यू और ये है ओ, ओ दिया है और पहले से बता दिया गया है कि त्रिभुज ए आर टी और ओ डब्ल्यू एन सर्वांगसम है, ये दिया गया है। अब देखने वाली बात है कि हम क्या क्या कह सकते हैं। इन्होंने क्या कर रखा है, एंगल ए को एंगल क्यू के बराबर समझा गया, ओ के बराबर, ऐसे ही ए टी जो भुजा है उस ए टी भुजा को एन ओ भुजा के बराबर समझा गया और ए आर भुजा को डब्ल्यू ओ के बराबर समझा गया है और एंगल एन को एंगल टी के बराबर समझा गया और हो तो गया। अब देखिए क्या करना है कि दिया गया है सर्वांगसम है तो बताना है आपको कि त्रिभुज आर ए टी बराबर क्या है, आर ए टी, ध्यान रखना होगा कि इसी के संगत आपको बताना होगा कि जो त्रिभुज है आर ए टी कैसे लिखेंगे। तो यहाँ हम आर बोल रहे हैं, फिर ए बोल रहे हैं, फिर टी बोल रहे हैं, देख रहे हैं आप। अब आपको क्या बोलना पड़ेगा, पहले डब्ल्यू बोलना पड़ेगा, फिर ओ बोलना पड़ेगा, फिर एन बोलना पड़ेगा, त्रिभुज डब्ल्यू ओ एन बोलना पड़ेगा। ऐसा मैं कैसे कह रहा हूँ, दरअसल संगत भुजा से ही त्रिभुज लिखा जाता है। तो आर, अगर इन्होंने कहा आर ए टी, तो आर क्या है, ये जो सेलेक्टेड एंगल था वो नहीं है, जो खाली वाला एंगल था, तो इन तीनों में से खाली वाला एंगल डब्ल्यू था, तो पहले आर बोला गया तो मैंने पहले डब्ल्यू बोला, ऐसे ही इन्होंने फिर ए बोला, ए क्या बोला, जो सिंगल वाला है, सिंगल जो लाइन लिखी है, तो हमने फिर ओ बोला जो हमारे पास सिंगल बना हुआ, फिर इन्होंने टी कहा, टी कौन है, जिसके पास डबल एंगल्स सिलेक्टेड है, तो हमने एन बोला जो हमारे पास डबल सिलेक्टेड है। यानी संगत जो शब्द होता है, संगत का त्रिभुज के अंदर बहुत मायने है। तो ऐसा नहीं कह सकते आप कि अगर ए आर ए टी कहा गया है तो आप एन ओ डब्ल्यू कह देंगे तो भी बराबर हो जाएगा, नहीं होगा, वो उसके संगत ही बोला जाता है। ये आपका पाँचवा सवाल था। अब देखते हैं छठा सवाल क्या है, पूरा खींचिए, क्या
क्या पूरा करना है, एक चित्र बनाया गया है, देखो ऐसे बनाया गया। ऐसे है, इसका नाम है बी, इसका नाम है टी, इसका नाम है ए, इसका नाम है सी। ये भुजा इसके बराबर दी गई है, ये भुजा इसके बराबर दी गई है, और यह कोण इस कोण के बराबर दिया गया। आपको बताना है त्रिभुज बी सी ए सर्वांगसम होगा, तो बी सी ए सर्वांगसम होगा त्रिभुज बी टी ए के, त्रिभुज बी टी ए के। ध्यान रखना, देखो हमने बी सी ए था तो हमें लिखना पड़ेगा बी टी ए, एकदम उसी के संगत यही बनेगा। दूसरा चित्र बनाया गया है, उसको भी देख लीजिए, सीधी रेखा खींचता हूँ, ऐसे है, ये मिलाया गया है, ये मिलाया गया, इसका नाम है पी, इसका नाम है टी, इसका नाम है क्यू, इसका नाम है आर, इसका नाम है एस। अब क्या क्या बराबर दिया है, ये दोनों बराबर दिए गए हैं और ये दोनों भी बराबर दिए गए हैं। अब देखो इसमें दोनों के डबल डबल लाइन खींचे गए हैं, हैं, ये सिंगल होना चाहिए था, ये सिंगल होना चाहिए था, डबल लिख दिया, और सॉरी ये डबल ही है, और बराबर कौन है, ये सिंगल है और ये सिंगल है। देखो ये दोनों भुजाएं इन दोनों भुजाओं के संगत और ये भुजा इसके बराबर है। अब देखो हमें क्या करना है, इसमें अगर बताना हो कि त्रिभुज क्यू आर एस सर्वांगसम किसके है, क्यू क्यू आर एस यानी क्यू के बाद सिंगल लाइन बोलनी है और उसके बाद एस बोलना है, हमको क्या बोलना है, हम बोलेंगे टी पी क्यू किसके बराबर होगा, त्रिभुज टी पी क्यू। देखो कैसे बोला गया, टी आर क्यू बोला गया ना, टी आर एस बोला गया, कहाँ गया क्यू आर एस, क्यू आर एस बोला, क्यू के बाद में जो लाइन हमारी चलती है वो सिंगल एंगल वाली है और उसके बाद फिर ये डबल वाली है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, तो यहाँ से बोलेंगे टी पी क्यू और टी पी क्यू के बराबर हो जाएगा यानी सर्वांगसम हो जाएगा। तो आपका छठा सवाल कंप्लीट होता है। अब देखते हैं सातवां में क्या है, लिखा एक वर्गांकित सीट पर बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों को इस प्रकार बनाइए कि त्रिभुज सर्वांगसम हो और त्रिभुज सर्वांगसम ना हो। अब देखो अब ये तो आपके खुद काम करने वाले पर निर्भर करता है, कि एक कागज लीजिए उस पर कोई ऐसा त्रिभुज बना दीजिए और कोई दूसरा त्रिभुज लीजिए ऐसे बना दीजिए, तो ये दोनों सर्वांगसम नहीं होगा। और अगर दोनों त्रिभुज ऐसे बनाए और तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा, इसको आप अपने पेन से जब नाप के बनाएंगे तब वो सर्वांगसम हो जाएगा और बिना नापे बना देंगे तो सर्वांगसम नहीं होगा। ये दोनों आप कर सकते हैं, आप उसके परिमाप के बारे में क्या कह सकते हैं, तो परिमाप देखो यहाँ पर बराबर होगा, यहाँ पर परिमाप बराबर नहीं होगा, अगर नाप कर बनाएंगे तो परिमाप बराबर होगा, नाप कर नहीं बनाएंगे तो परिमाप नहीं बराबर होगा। ये था सातवां। आठवां देखिए क्या है, आकृति में एक सर्वांगसम भागों को का एक अतिरिक्त युग्म बताइए जिससे त्रिभुज बी सी ए बी सी और पी क्यू आर सर्वांगसम हो जाए, आपने किस प्रतिबंध का प्रयोग किया है। देखिए एक चित्र बना हुआ, तो मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर चित्र बनाता हूँ। आठवां एक चित्र है ऐसे और दूसरा चित्र है ऐसे, यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है, इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है पी क्यू आर, ठीक है। अब बताइए इसमें क्या देंगे आप, और ये कोण बराबर दिया गया है, तो आप कह रहे हैं कि इस आकृति में अगर इन दोनों को हम सर्वांगसम कह रहे हैं तो एक युग्म और बताइए कि आप अतिरिक्त युग्म क्या लिखना चाहते हैं। देखो जब ये दोनों कोण हमारे पास बराबर मिल रहे हैं तो अगर मुझे ये भुजा मिल जाती, ये यानी अगर मिल जाती कि बी सी बराबर क्यू आर, तो हमारे पास क्या बन जाता, हमारे पास बन जाता ए एस ए,
एक चीज़ बन जाता। दूसरी एक और स्थिति बन सकती है कि अगर मान लो ये राइट एंगल तो है ही हमारे पास, तो ये कोण दे दिया है ना, नहीं तो फिर दोनों कोण एक बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, तो एक कर्ण भी बराबर होना चाहिए और एक भुजा भी बनाना चाहिए। तब अगर ऐसा होता तब हम RHS लिख सकते थे, लेकिन RHS लिखने की कंडीशन में हम लोग नहीं हैं। चर्चा कीजिए, अब देखो नौवां में चर्चा करना, एक चित्र बना हुआ है, वो चित्र पहले बनाते हैं तो चर्चा किया जाए। ऐसे बना हुआ, इसका नाम है ABC, इसका नाम है DEF, यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर भी 90 डिग्री दिया है, ये भुजा यहाँ इसकी बराबर है, ये भुजा इसकी बराबर है, और ये कोण यहाँ बराबर है तो ये कोण यहाँ बराबर है। अब कहना है कि त्रिभुज में चर्चा करना है, क्या करना है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज FED के, FED के। और समझा जाए कैसे होगा, त्रिभुज ABC आपके सामने है, अब त्रिभुज FED क्यों है, देखो FED बोलने का तरीका स्टार्ट देख लो, यहाँ पर ABC कहा है, ए माने डबल सिंबल वाला, फिर बी माने 90 डिग्री, और फिर सी माने ब्लैंक एंगल, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, तो हम यहाँ पर भी वही बोलेंगे, पहले एफ बोलेंगे डबल वाला, फिर ई बोलेंगे 90 डिग्री वाला, और फिर डी बोलेंगे जो ब्लैंक वाला है। तो जो ये कहा गया है वही ये कहा गया, तभी संगत माना जाएगा, नहीं तो संगत नहीं माना जाएगा। अगर हम त्रिभुज ABC के बदले हम यहाँ पर DEF लिख दें या EDF लिख दें तो ये संगत नहीं माना जाएगा। तो इतनी सी बात हमारे पास थी। अब हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या चर्चा किया, चर्चा करने की कुछ पॉइंट्स है, उस पर हम लोग फटाफट रिविज़न कर लेते हैं। नंबर एक है, सर्वांगसम वस्तुएं एक दूसरे की प्रतिलिपियां होती हैं, मतलब जीरोक्स कॉपी कह ले सकते हैं। अध्यारोपण विधि तल आकृतियों की सर्वांगसमता की जांच करती है। तीसरा पॉइंट है कि दो तल आकृतियां माना F1 और F2 सर्वांगसम होती हैं यदि F1 की अक्ष प्रतिलिपि F2 को ढक लेती है, पूर्णतया ढक लेती है, तो माना F1 और F2 सर्वांगसम होती है यदि F1 की अक्ष प्रतिलिपि F2 को पूर्णतया ढक लेती है, यानी कि हम इसे F1 सर्वांगसम है F2 के कह सकते हैं, यानी एक चित्र जब दूसरे को पूर्णतया ढक लेता है तब हम उसको सर्वांगसम कहते हैं। अगला पॉइंट है कि दो रेखाखंड माना AB और CD सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी लंबाइयां बराबर हों, हम इसे AB सर्वांगसम CD के रूप में भी लिख सकते हैं, यद्यपि साधारणतः इसे AB डैश और CD डैश कहा जाता है, डैश माने ऊपर जो लाइन खींची जाती है। पाँचवा पॉइंट है कि दो कोण माना ट्रायंगल एंगल ABC और एंगल PQR सर्वांगसम होंगे यदि उनके माप बराबर हो, यानी अगर ये 60 डिग्री है तो वो भी 60 डिग्री होना चाहिए, हमने एग्जांपल में आपको समझाया था। हम इसे कोण ABC सर्वांगसम कोण PQR या M एंगल ABC बराबर M एंगल PQR के रूप में लिखते हैं यदि अभ्यास में इसे साधारणतया त्रिभुज कोण ABC और कोण PQR कहा जाता है। दरअसल जो M लिखने की आदत है ये जब अगली क्लासेज में आप जाओगे जहाँ पर उसका स्लोप देखा जाएगा, ढाल देखा जाएगा, तब M लिखने की ज़रूरत पड़ती है, अभी यहाँ पर 7th क्लास में ज़रूरत नहीं। अब देखिए दो त्रिभुज की जो है SSS सर्वांगसमता, ये सारी सर्वांगसमता समझाई गई है जो कि हम पहले आपको समझा चुके हैं। तो देखिए आपको ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया, लेसन 7 था। अब हम नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, लेसन 8 में, तब तक के लिए धन्यवाद।